साहित्य 777। मैं पूनम वर्मा आप सभी के लिए फिर से एलिमेंट बेसिक रीडिंग लेके आए हैं। और यस, ये रीडिंग हम 8 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के बीच में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है यहाँ हम रीड करने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को अगेन मैंने एलिमेंट के आधार पर बनाई हुई है, तो अपने एलिमेंट के आधार पर, अपनी राशि के एलिमेंट के आधार पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हेलो वाटर एलिमेंट, हेलो वाटर एलिमेंट, तो यस, अगर आप की आपकी कर्क मीन और वृश्चिक राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए, आपके लिए हमने कार्ड्स पहले ही पुल आउट कर लिए हैं, तो चलिए जानते हैं आपके लिए पहला कार्ड कौन सा है। एक ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड, ओके, किंग ऑफ सोर्ड एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कृष्णा मैसेज हम आपके बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वाटर एलिमेंट, यहाँ पे मुझे आपकी न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जैसे किसी चीज़ का एंड हो रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पे किन्हीं चीज़ों की एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और एक सर्कल कंप्लीट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। एक सर्कल कंप्लीट करते हुए, एक साइकिल कंप्लीट करते हुए आप एक नई शुरुआत करते हो, ठीक है, एक नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ऐसा दिख रहा है जैसे आपको कहीं से प्यार नहीं मिला, दुलार नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं से फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी ही है। लेकिन ये एनर्जी बहुत ही जल्दी एंड हो जाएगी और आपकी लाइफ में वो प्यार, वो दुलार आपकी लाइफ में आएगा। एक ऑफ फ्रेंड से मुझे यहाँ पर एक ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी तुरंत ही आई हुई है। तो मुझे दिख रहा है कि पैसे के लिहाज से अगर आप कोई प्रकार की परेशानी झेल रहे हैं, कोई दिक्कत झेल रहे हैं, या आपके पास उतने पैसे नहीं रहते हैं कि आप अपना ही खर्चा निकाल सको, तो यहाँ पैसे के मामले में आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आपको पैसे से कोई ना कोई हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर आपकी क्रिएटिव शक्ति भी काफ़ी सिग्निफाइंट रहने वाली है, आपकी रचनात्मक शक्ति काफ़ी अच्छी रहने वाली है और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रहने वाली है। किन्हीं किन्हीं के लिए दिख रहा है कि जैसे कि अपने घर में अगर आप बहुत समय से रिनोवेशन करना चाहते थे या कोई नया फर्नीचर खरीदना चाहते थे, तो यहाँ पे मुझे दोनों कार्ड से यहाँ पे दिख रहा है कि वो फर्नीचर आप खरीद पाएंगे। एक नई शुरुआत यहाँ से भी दिखाई दे रही है, तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अलग अपनी लिए घर लेने में भी सक्षम हो जाएं और घर लेने की शुरुआत भी कर सकते हैं। घर का रिनोवेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे डिकल्टर की भी वाइब्स आ रही है, जैसे बहुत सी नेगेटिव आपने अपने घर में फैला रखी है, चीज़ों को जहाँ तहाँ छोड़ रखा है, तो उनको थोड़ा सा साफ करने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही थी। किसी कभी कभी नेगेटिव इसलिए भी बन जाती है, खास करके जैसे कि हमारा जो मंदिर होता है उस मंदिर की वाइब मुझे आ रही, मंदिर को थोड़ा सा साफ कीजिए, क्लीन कीजिए। वहाँ पर हो सकता है थोड़ी गंदगी हो जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो रही, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग कीजिए। इसके बाद में किंग ऑफ सोर्ड की कार्ड मुझे यहाँ पे माइंड क्लियरिटी की बात दिखा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। और क्वीन किंग ऑफ वर्ड्स में भी मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। मून स्पेल्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, मुझे यहाँ पे मून की एनर्जी भी मिल रही है, तो मून स्पेल के साथ काम करना आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा रह सकता है। सेकेंड, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और यहाँ पे उन स्ट्रगल्स को फेस करने की पावर आपको इस हफ्ते मिलते हुए दिखाई दे रही है। और ये पावर क्यों मिलेगी, क्योंकि आपका सिक्स ऑफ पेंटिकल लास्ट में है, क्योंकि आपको हेल्प मिलने वाली है। अब ये फाइनेंशियली भी हेल्प हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो यहाँ पैसों को लेकर जो भी दिक्कत थी वो दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली हेल्प आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है और एक लाइफ में जो बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे वो बैलेंस भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे 4 सिक्के हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 सिक्के यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 4 सूट्स, मुझे यहाँ पे 4 सूट की वाइब आ रही है। तो चारों एलिमेंट की तरफ से आपको कहीं ना कहीं से आपको फायदा यहाँ पे दिख रहा है, खास करके यहाँ लिब्रा राशि आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, लिब्रा राशि का व्यक्ति आपको सहायता दे सकता है। चलिए, आपके लिए कृष्णा मैसेज देख लेते हैं। यस, एक छोटा सा मैसेज देना चाह रही हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में आप अब्यूसिव नेचर का सामना कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर आपके लिए प्रेम और रिस्पेक्ट लाएगा, ठीक है, आपकी वो जो अब्यूसिव रिलेशनशिप में चल रहा है, जो भी गंदगी चल रही है आपके रिलेशनशिप में, वो भी दूर हो जाएगी। कुछ चीज़ों को डिकल्टर करने की आपको भी ज़रूरत है। आपके कृष्णा मैसेज से है, बी पॉजिटिव रहें, नेगेटिव मत करें, और जैसा मैंने बोला नेगेटिव को मत क्रिएट होने दीजिए अपनी लाइफ में, खासकर अपने घर में। एंड लीव फॉर नाउ, कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा अच्छे बनने से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम लोग और बढ़ा देते हैं, तो कभी कभी बदनामी भी अच्छी होती है, ठीक है। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग ए डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम, अपने राइट टाइम का इंतजार कीजिए, लोग आपको पहचानेंगे। जो भी अनवांटेड हो रहा है वो आपकी सक्सेस के लिए ही हो रहा है, तो जो भी है उसको स्वीकारिए और आगे बढ़िए।
ठीक है, यहाँ आगे बढ़ने के मैसेज मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की अगेन एनर्जी पिक कर रही हूँ कि यहाँ भी स्नेक की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ों से मुझे दिख रहा है कि आपको बचने की ज़रूरत है। कालिया वैसे भी एक धोखे की एनर्जी था, ठीक है, तो उस धोखे की एनर्जी से बचे और जितना हो सके ठाकुर जी का यहाँ पे वाइब्स कीजिए। अचानक से मुझे हेडक ही महसूस हुआ, तो अगर आपको हेडक हो रहे हैं तो हेडक से बचने की कोशिश कीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन से ही हेडक होता है, ये बात गौर कीजिएगा। और रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा गलत चल रहा है तो उसे ईश्वर की तरफ सरेंडर कर दीजिए। मैं एक कार्ड आपके लिए और देखना चाहूँगी, पता नहीं क्यों मुझे आपके लिए एक कार्ड देखने का और मन हो रहा है। ओके, आपके लिए कोई कार्ड पड़ रहा है। ओके, यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड से यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ के स्ट्रगल हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे, जो भी ऑब्स्टिकल है वो निकल जाएंगी। बस अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, हर किसी को मत सोचिए कि वो आपको प्रेम करे। प्रेम जरूरी नहीं, जितना हम किसी को प्रेम करते हैं वो हमें उतना ही प्रेम करेगा, ठीक है। आपके मन में कोई प्रश्न है तो चलिए देखते हैं कि वाटर एलिमेंट के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज कर रहा है। अपने मन में प्रश्न को दोहराइए और चलिए जानते हैं वाटर एलिमेंट के लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से आंसर है। ओके, ये थोड़ा सा मुड़ गया था, मैं इसको दोबारा करना चाहूँगी। वाटर एलिमेंट आपके लिए क्या एनर्जी है? ओके, आपके लिए आंसर है सून, और जस्ट वेट के पास है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी और जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, बस अपनी हार्डशिप पे भरोसा रखिए। तो यस, ये थी आपके लिए मेरी रीडिंग वाटर एलिमेंट। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाय।